की हाल चाल थोड़े सारे दा इको आफे तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो च। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीसीए की, कहां से? क्वांटम यूनिवर्सिटी से। तो आप सब बच्चों का 12th का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, 1-2 महीने हो चुके हैं, तो सब लोग आप एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। बहुत से बच्चे बीसीए करना चाहते हैं तो और उनको अफोर्डेबल कॉलेज में करना है ताकि वो अच्छे से पढ़ भी पाए, प्लेसमेंट भी अच्छी से मिल जाए, लोकेशन भी अच्छी हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ के लाए हैं जिसका नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी। स्पेशली ये यूनिवर्सिटी आपको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा कम है, आपकी बहुत कम पैसे में बीसीए हो जाएगी और आपको प्लेसमेंट के भी अच्छे खासे चांस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्वांटम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें, चाहे वो कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताया तो कि हम क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटम यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, क्या लोकेशन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, बीसीए का फीस स्ट्रक्चर कितना है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या रहेगा, स्कॉलरशिप है या नहीं बीसीए के लिए, प्लेसमेंट्स क्या है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, बीसीए यहाँ से करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये सारी चीजें हम वीडियो के एंड तक बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटम यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई है 2016 का स्टैब्लिशमेंट है। 2016 से पहले ये एज ए मैनेजमेंट कॉलेज चल रहा था। रुड़की उत्तराखंड में लोकेशन है, काफी अच्छी लोकेशन है इसकी उत्तराखंड में। रुड़की के बिल्कुल पास मेन रोड पर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, बहुत ईजिली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज या ट्रेन से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, बीसीआई अप्रूव्ड है, पीसीआई अप्रूव्ड है। 30 एकड़ का कैंपस है, 55 से भी ज्यादा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। फेमस है अपने इंटरडिसिप्लिनरी और पैशन कोर्सेज को लेके। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 33.5 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है, 5 लाख का एवरेज पैकेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी बात जो यहाँ पे है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। एडमिशन की बात करें तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो बिल्कुल जीरो लगेगी। अगर आप डायरेक्टली एडमिशन की फॉर्म करेंगे तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको कोई भी एप्लीकेशन की जो फीस है नहीं लगने वाली, बिल्कुल जीरो आपकी फीस हो जाएगी। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 33.5 लाख एवरेज पैकेज है, 5 LPA का जो एवरेज पैकेज चल रहा है, 33 लाख का हाईएस्ट पैकेज चल रहा है। जो यहाँ पे कंपनीज आई अप्रॉक्सीमेट 200 से ज्यादा कंपनीज आई, 800 से 900 ज्यादा बच्चे प्लेस हुए, स्टूडेंट इनटेक भी यहाँ पे लिमिटेड रहता है तो कॉम्पिटिशन भी कम रहता है, ये भी एक अच्छी बात है। 100% आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट यहाँ पे मिल जाती है। एडमिशन लेने के लिए क्यू केयर का जो एग्जाम है आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे अगली चीज जो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर बीसीए का क्या रहने वाला है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी सर्च करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, प्रोग्राम्स के ऊपर आएंगे, प्रोग्राम्स के ऊपर आके आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से जो यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे प्रोग्राम देखने वाले हैं बीसीए, तो 3 प्रकार की जो बीसीए यहाँ पे ऑफर की जाती है, बीसीए नॉर्मल, बीसीए ऑनर्स, बीसीए, ठीक है। बीसीए ऑनर्स में आपको 2 BCA देखने को मिल जाती है, बीसीए मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब टेक्नोलॉजी, बीसीए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे ऑनर्स करना चाहें तो बहुत कम अच्छे बजट में आप यहाँ पे ऑनर्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप आ जाएंगे बीसीए की, तो सबसे पहले बीसीए की एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देख लेते हैं। नीचे आते ही आपको यहाँ पे टैब दिखेगा एलिजिबिलिटी एंड फीस स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या रहने वाला है। यहाँ पे आप आ गए बीसीए का, तो बीसीए का जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है, अगर आपके 10+2 में 45% मार्क्स है तो आप इजीली नॉर्मल बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपको बीसीए ऑनर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको जो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में। 3 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, चाहे आप बीसीए करें चाहे बीसीए ऑनर्स करें। तो यहाँ पे एक बात और देखने वाली है कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है ना, उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए अलग रहता है और बाकी उत्तराखंड से जो अदर स्टेट्स है उनका फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है। तो दोनों फीस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और हम जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे बीसीए नॉर्मल की बात करते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए, क्यू केयर का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे जो एडमिशन है और स्कॉलरशिप है मिल जाएगी क्यू केयर का एग्जाम के बेसिस के ऊपर। 3 साल का आपका बीसीए का कोर्स रहेगा। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो 1 साल की फीस लगने वाली वो रहेगी 71,000, और अगर आप उत्तराखंड के बाहर से बिलोंग करते तो आपकी आपकी जो 1 साल की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 74,000 रुपीज। तो ज्यादा अंतर नहीं है, 3 या 4 हजार का ही अंतर है, जिसको आप बहुत इजीली मतलब अप्रोक्सीमेट 3,000 का ही अंतर है जो आपको यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप बीसीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो 1 साल की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1,03,000 रुपीज। यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस की बात करें तो सिर्फ 59,000 रुपीज फीस है, 1 साल का आपका बीसीए का सिर्फ 1 लाख रुपए लगेगा, और अगर आप उत्तराखंड के बाहर के हैं तो आपका 1 साल का लगेगा 1,06,000 रुपये। इसमें भी सिर्फ 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 3 लाख रुपीज़ में आपकी टोटल अगर आप बीसीए ऑनर्स कर रहे हैं।
तो अप्रॉक्सीमेट 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल में 3 लाख रुपए पे करने हैं एकेडमिक फीस, 3 लाख रुपए आपको पे करने हैं हॉस्टल के, अप्रॉक्सीमेट 6 लाख रुपीज में आपकी कंप्लीट बीसीए ऑनर्स यहाँ से कंप्लीट हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें बीसीए नॉर्मल, तो आपको एक साल में पे करना है 70,000 आप कंसिडर 75,000 रुपीज कंसिडर करके चल सकते हैं, तो 3 साल में आपको अप्रॉक्सीमेट 2,50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे और हॉस्टल को मिला के अप्रॉक्सीमेट 5.5 लाख रुपए में आपकी बीसीए नॉर्मल है जो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। हॉस्टल फीस भी आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक साल की हॉस्टल फीस आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 1 लाख कंसिडर करके चल सकते हैं। सिक्योरिटी देनी है 5,000 रुपए, मतलब कि हाफ ऑफ करके हॉस्टल फीस आप पे कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 42,000 रुपीज, सेकंड सेम में भी आपको देना 42,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर की आपकी जो हॉस्टल फीस रहने वाली है बिना एयर कंडीशन के, वो अप्रॉक्सीमेट 84,000 रुपीज की रहने वाली है। तो अप्रॉक्सीमेट 5.5 लाख रुपए में नॉर्मल बीसीए और 6 लाख रुपीज में बीसीए ऑनर्स आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की, कोर्स ड्यूरेशन की और यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की, और यहाँ पे कौन कौन सी बीसीए ऑफर की जाती है ये भी आपको बता दिया। तो अगली बात, यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप एडमिशन के ऊपर आएंगे, प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर पता लग जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते ही आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड जाएगा, ईमेल आईडी पासवर्ड से फिर आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है, लॉगिन करते आपको अपना क्यू केयर का एग्जाम है वो शेड्यूल करना है, क्यू केयर का एग्जाम शेड्यूल करते आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पूरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है सब, तो ये आपके पास रहने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते तो आपको कोई भी एप्लीकेशन जो फीस है वो नहीं लगने वाली। उसके बाद क्यू केयर एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आने वाला है, कितने टाइम करेगा, तो क्यू केयर जो एग्जाम रहने वाला है आपका मल्टीपल एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, जो सिलेबस रहने वाला आपके 10th, 11th और 12th का जितना भी सिलेबस रहने वाला है आपका वो सारे उसके बेसिस के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जो एग्जाम आपका रहेगा आपके घर के, मतलब आपके घर पे बैठे बैठे आपके लैपटॉप पे होगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा आपको निकाल के अपने लैपटॉप के ऊपर एग्जाम दे देना है। बहुत ही सिंपल है एग्जाम, बहुत ईजिली आप क्लियर कर लेंगे, बहुत ही बच्चों लेवल जैसा एग्जाम आता है। उसके बाद स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफी अच्छी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो क्यू केयर के एग्जाम के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे बीसीए के लिए जो स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं, बीसीए के लिए जो स्कॉलरशिप है, अगर आपके मार्क्स है जो क्यू केयर एग्जाम में 60 से 69% के बीच में आते हैं तो आपको 7,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलेगी। 70 से 79% के बीच में मार्क्स आते हैं आपको 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलेगी। 80 से 90% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 12,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलेगी। 90% से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं अगर आपके क्यू केयर एग्जाम में, तो आपको फ्लैट 50,000 रुपीज की जो स्कॉलरशिप है मिल जाएगी बीसीए के टोटल फीस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये जो फीस रहने वाली है ये भी आपकी पर ईयर के हिसाब से रहेगी। तो ट्यूशन फीस मतलब पर सेमेस्टर के हिसाब से रहेगी, जैसे आपने 90% से ज्यादा मार्क्स लिए तो आपको 15,000 पर सेमेस्टर, मतलब एक साल की 30,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप बीसीए नॉर्मल करना जा रहे हैं तो आपकी जो फीस थी 75,000 रुपीज थी एक साल की, उसमें से अगर आप 30,000 कम कर दे तो अप्रॉक्सीमेट 50,000 रुपीज, अप्रॉक्सीमेट 45 से 50,000 रुपीज आपकी एक साल की जो फीस रहेगी बीसीए ऑनर्स की, बीसीए नॉर्मल की। ऑनर्स की आपकी जो फीस थी अप्रॉक्सीमेट 1 लाख थी, उसमें से आपकी अगर 30,000 एक साल का कम कर दे तो अप्रॉक्सीमेट 70,000 आपकी एक साल की फीस है जो रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे चाहे तो ये बाकी जो अदर स्कॉलरशिप्स है वो भी ग्रांट कर सकते हैं। अगर आपको जो स्कॉलरशिप चाहिए जेई मेन्स के रैंक के ऊपर, अगर आप बीसीए की है और जेई मेन का पेपर दिया है तो आपके जेई मेन्स में, अगर आपके 12th के बोर्ड के बेसिस के ऊपर, जेई मेन्स के ऊपर जो बीसीए के लिए जेई मेन्स नहीं होता है, तो अगर आपके 12th में मोर देन आपके अगर 12th में 70 से 75% के बीच में मार्क्स है तो भी आपको 8,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 75 से 89 के बीच मार्क्स है तो भी आपको 10,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 90 से अबव मार्क्स है अगर आपके 12th क्लास में और आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई भी आपको फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपके 12th क्लास में मार्क्स होंगे मोर देन 90% फर्स्ट ईयर आप बिल्कुल फीस पे नहीं करनी, आपको सिर्फ सेकंड या थर्ड ईयर की फीस है जो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट की पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपको एवरेज जो पैकेज है 3-3.5 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है यहाँ की फीस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपने 3 साल में स्पेंड किया होगा अप्रॉक्सीमेट 6 लाख रुपीज, और अगर आपको 3 या 4 लाख रुपीज का पहले साल में पैकेज मिल जाता है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी अप्रॉक्सीमेट डबल हो जाती है। यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो काफी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आ रही है बीसीए में भी आपको प्रोग्रामिंग ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो जितनी भी कंपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए आएंगी उसमें से अप्रॉक्सीमेट 80% कंपनीज में बीसीए वाले बच्चे भी बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। सारी मास ग्रेजुएट कंपनी जो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जिसमें प्लेस होते हैं, उन सारी कंपनीज में जो बीसीए के बच्चे हैं उनको भी बैठने का मौका दिया जाता है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा है। फैकल्टी आपको जो ओके देखने को मिलने वाली है, ज्यादा जो पढ़ाई है आपको ऑनलाइन खुद करनी पड़ेगी यूट्यूब से पढ़ के। यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेबस वगैरह बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, लेकिन जो बाकी सारी मेहनत है ना, मतलब
30% मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, 30% कॉलेज वाले करवाएंगे, बाकी पूरी मेहनत आपको नई यूट्यूब वगैरह से करनी पड़ेगी। लेकिन बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे कम बजट में एक अच्छी डिग्री कर सकते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है कंपनीज ला के देती है। अगर आप कंपनीज में एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। स्टूडेंट इनटेक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे आपके प्लेसमेंट के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो प्लेसमेंट की यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।